सो हे गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस। कैसे हैं आप सभी? होप से सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, वेल एंड गुड होंगे। और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, वो है एएस प्लान के बाद, यानी 2CC प्लान के बाद हम ऐसी क्या बात बताएं, उसको ऐसी क्या बात करें जो बंदा 2CC के लिए डन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अब देखिए, जब हम किसी को 2CC प्लान के लिए लेकर आते हैं, वो सारी ट्रेनिंग लगा रहा होता है हमारा पार्टनर हमारी, और सारी बातों को सुनकर चल रहा होता है ना? तो हम स्टेप बाय स्टेप तो उससे ट्रेनिंग पूछ लेते हैं, है ना, कि जी आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है इस बिज़नेस में, है ना, कि आज आपने क्या सीखा। लेकिन अब हमें क्या पूछना है उससे, देखिए, जब हम 2CC प्लान लगवाने वाले हों पार्टनर को अपने, तो सबसे पहली चीज़ उससे पूछो कि देखिए, ये ट्रेनिंग मैं लगवाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, और वो बात ये है, डियर प्लीज़ आप मेरे को ये बताइए, अभी अभी तक जो आपने सीखा है, अभी तक जो आपने सीखा है इस ट्रेनिंग में, 5 to 6 days की जो ट्रेनिंग्स हुई हैं, इसमें आपने क्या क्या सीखा मेरे को ये बताइए। आपको बिजनेस मॉडल तो पूरा क्लियर हो गया ना, कि पैसा कैसे आता है, काम क्या करना है, और यहाँ पर मैनेजर कैसे बनना है, मैनेजर की इनकम कितनी होती है, यानी कि P3, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पर्सन को आ गई हैं परफेक्टली, आपको बता पा रहा है, तो उसका 2CC प्लान आप लगवा दीजिए। अगर आपका पर्सन इन तीनों चीज़ों में से वीक है, कोई सी उसको नहीं आती है, तो डियर आपका जो पर्सन है वो अभी 2CC प्लान के लिए रेडी नहीं है, तो प्लीज़ उसको अभी 2CC प्लान ना लगवाएं। अब पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, रिलेशन बिल्डिंग। अब देखिए, रिलेशन बिल्डिंग में क्या होता है, हम अक्सर क्या गलतियाँ कर देते हैं, हमने ट्रेनिंग लगवा रहे होते हैं, न्यू पर्सन है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लगवा रहे हैं, उसको जी लिंक भेज दिया, आ गए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे को, भेज दिया बंदे ने। अब हुआ क्या, 7-8 दिन उसने ट्रेनिंग लगा ली, आपने 3rd डे पर या 4th डे पर उसको टेस्ट भेज दिया। अब जब आपने उसको टेस्ट क्लियर करवा दिया, टेस्ट भेज दिया, 5वें दिन उसने टेस्ट क्लियर कर दिया, अब आपने उसकी पेशेंट लिस्ट बनवा दी, ठीक है। पेशेंट लिस्ट बनवाने के बाद, अगर आपको नहीं पता है पेशेंट लिस्ट कैसे बनवानी होती है, क्या तरीका होता है, तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, उसको चेकआउट कर सकते हो, उसमें पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब उसकी पेशेंट लिस्ट बनवा दी, उसके बाद अब जब हम 2CC प्लान उसको लगवाएंगे, तो देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या गलतियाँ करते हैं, हमने उसकी बात सुनते ही नहीं है, हम अपनी बातें समझाओ जाते हैं, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी में ये मैनेजर थे, हमारी कंपनी में फला मैनेजर थे, लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते हैं, ये जो बंदा है जो हमारे साथ काम कर रहा है, क्या ये संतुष्ट है हमसे, या क्या ये खुश है हमारे साथ काम करने के लिए, क्या ये रेडी है, इसकी तो एक्साइटमेंट चेक कर लूँ मैं, कि इसको 2CC प्लान लगवाने जा रहा हूँ मैं, ये रेडी है बंदा, 2CC प्लान के लायक है, ये लगवा दूँ इसको, ये चीज़ हम अपने ऐसे नहीं पूछते। को क्या काम करना है, सामने वाले को ज़्यादा बोलने देना है और अपने आप को कम बुलवाना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने और वीडियोज़ में, रिलेशन बिल्डिंग, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आपका रिलेशन बिल्डिंग का इशू भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने रिलेशन बिल्ड कर लिया, सामने वाले के बारे में हम जाने, हमने अपने बारे में उसको बताया, अब अगर बंदा, कुछ बंदे ऐसे होते हैं देखो, बताते नहीं हैं, है ना, कि नहीं यार मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, इसमें तो बोलना पड़ेगा, इसमें तो काफ़ी सारे लोगों का ना डाउट्स होते हैं, तो आप ना देखो उनके डाउट्स क्लियर करो, अब देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, पता है ना, कम बोलते हैं, कम जगहों पर जाते हैं, कहते हैं यार मेरे को तो शर्म आ रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, नज़ भाई यार रहने दो, तो उनका आपका ना, उनके लिए भी बताता हूँ। अब देखो, एक माँ होती है, उसका बच्चा अगर खाना भी ना खाए, उसको पता लग जाता है कि यार ये खाना मांग रहा है, और ज़बरदस्ती उसको खिलवाती है, तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर ये वाला सीन करना है, तो आप एक तरीके से उसकी माँ हो, तो एक माँ को पता होता है कि यार जैसे जैसे आप आए थे, तो आपके अंदर क्या डाउट्स पैदा हुए थे उस टाइम पर 2CC लेवल पर आने के बाद, ठीक है, एएस प्लान लगने के बाद, ठीक है, तो वो सारे डाउट्स उसी के मन में पैदा होंगे, तो प्लीज़ पहले ही क्लियर कर दो, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, अब हमारा 3rd पॉइंट जो होने जा रहा है वो है, बी अ गुड स्टोरी टेलर, यानी कि आपको कैसा फील हो रहा था, सेम फील उसको करवाना है। देखो, उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, यार पैसा तो नहीं लगाना पड़ने का, क्या क्या होगा, तो आपको एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना है उसके सामने, उसके नज़रिए में, कि देखो जो आपके सामने आई थी कि यार बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे, या फिर यार मैं पैसा तो नहीं लगाना पड़ने का, तो उससे बोलो कि डियर, जो सवाल आपके थे वही सवाल मेरे थे, मैं भी आप ही की तरह यहाँ पर आया था और मेरे भी यही सवाल थे, बट आप इस ट्रेनिंग को लगाइए, उसके बाद जो है आपके जो सारे डाउट्स हैं वो मैं 1 by 1 क्लियर करूँगा,
उसके बाद जब उसका टूसू से प्लान लग जाए। देखो यहाँ पर हमने स्टोरी टेलिंग की, ओके, हमने उसको अपने बारे में बताया कि मैं कैसे आया था, मैंने कैसे अपना टूसू से लेवल कंप्लीट किया, मेरे को भी टूसू से प्लान मिला था, तो यहाँ पर हमारा स्टोरी टेलिंग का काम हो गया। थर्ड पॉइंट जो होने जा रहा है हमारा वो है बी अ गुड स्टोरी टेलर। ओके, अब देख लीजिए जब बंदा आता है तो वो हेजिटेट होता है, काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं, मैंने आपसे पहले बताया है कि वो शायनेस वाले होते हैं कुछ लोग, तो हमें उनको समझना है, ओके, और उनके जो भी डाउट्स हों उनको क्लियर करना है। बंदा टूसी प्लान क्यों नहीं लगवाता है, ज़्यादातर आधा छोड़कर क्यों भाग जाते हैं, जहाँ वो सुनता है ना इतने पैसे लगेंगे बस ख़त्म। तो इससे पहले ही आप उसको बता दें कि देखो ब्रदर, सिंपल सी बात है, मैं भी आप की तरह आया था, मेरे को भी कुछ नहीं पता था, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भाई मिलकर आराम से धमाल मचाएंगे, पहले आप इस बिज़नेस मॉडल को ध्यान से देखना, प्रॉपर समझना, ओके, और देखो मैं आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टेंशन हो, आप मेरे से आकर बात कर सकते हो, उसको ना कंफर्टेबल फील करवाओ अपने पास, ओके, कि हाँ भाई मैं हूँ तेरे लिए, ओके। कहने का मतलब ये है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आई थी जब आप एस प्लान लगाने वाले थे या फिर एस प्लान लगा चुके थे, वो प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर दो, अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करो सामने वाले के साथ, ओके जी, दैट्स इट, थर्ड पॉइंट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए हमने उससे बोल दिया, वो कह रहा है यार अनस भाई इसमें तो पैसे लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात बोल लिए, देखो ब्रदर आपने बिजनेस मॉडल समझा अच्छे तरीके से, है ना, सब कुछ समझा, मेरे को आप जान गए हो। सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वॉल जो है इसको ब्रेक कर दो, बट आप कहोगे अनस भाई क्यों ब्रेक कर दो, मैं कहूँगा ये लो हथौड़ा और इसको ब्रेक कर दो, आप फिर कहोगे अनस भाई मैं क्यों ब्रेक कर दूँ इसको, मैं कहूँगा ये लीजिए आप ना बड़ा वाला हथौड़ा लीजिए फिर इसको ब्रेक कीजिए, आप कहेंगे मैं क्यों ब्रेक करूँ, रीज़न क्या है। अगर मैं आपसे कह दूँ इस वॉल के पीछे 2 करोड़ रुपये रखे हैं, तो फिर आपको हथौड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो हाथ में मिलेगा वो बजाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वेन द वाई इज़ क्लियर द हाउ इज़ ईजी। अब ब्रदर आपका, आपको बताओ पहले कुछ नॉलेज थी फॉरएवर के बारे में, नहीं था, लेकिन अब नॉलेज हो चुकी है प्रॉपर, तो अब आपको समझ में आ चुका है कि हाँ भाई मेरे को कहाँ पर क्या लगाना है। अब देखो आज के टाइम में अगर कोई सा भी बिज़नेस शुरू करना हो, एटलीस्ट ठेली भी लगानी हो ना, कोई रेड़ा भी लगाना हो, उसमें भी मिनिमम 40,000 से 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कह जी सही कह रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है ब्रदर, आप ये बिज़नेस कहाँ कर रहे हो, कहेगा इंटरनेशनल कर रहा हूँ, और आप आईडी ये जो है ना 160 प्लस में जनरेट हो जाती है, यानी कि ये आईडी जो है आपकी 160 प्लस कंट्रीज़ में जनरेट हो जाती है, तो आप जो है ऐसा ही नहीं है कि यहीं पर बैठकर बिज़नेस करेंगे, आप जहाँ जा सकते हैं सऊदी जाएंगे, कतर जाएंगे और इंडोनेशिया जाएंगे, कहीं भी जाएं आप, जहाँ भी फॉरएवर लिविंग का ऑफिस होगा 168 प्लस कंट्रीज़ में, वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हो और कोई नहीं रोकेगा आपको काम करने से। तो ये अथॉरिटी मिलती है बताओ 50-60 हज़ार रुपये में आपको, कि इंटरनेशनली वर्क कर पाए हम, बताओ आपकी शॉप है, आप 2-2.5 लाख रुपए लगा कर बैठे हो इसमें, तो क्या इसमें आपको अथॉरिटी है कि आप इंटरनेशनल सामान बेच पाओ, है कोई अथॉरिटी? सिंपल सी बात है नो। तो डियर सिंपल सी बात है, आपके पास यही ऑप्शन है, इंटरनेशनली वर्क कर सकते हो, फ्रेंचाइजी फ्री में मिलते हैं, इसके नाम फ्री में मिलता है फॉरएवर लिविंग का, और रही बात इंडिया में भी कहीं में भी ऑफिस में कर सकते हो आप मीटिंग्स वगैरह, 19-20 ब्रांचेज हो चुकी हैं वैसे तो, अब गुरुग्राम में नया ऑफिस खुल चुका है, अब 20 ब्रांचेज हो चुकी हैं इंडिया में भी, तो ब्रदर नो टेंशन ओवर करो, आपने पूरी इंडस्ट्री देखी, आपने लोग देखे हैं यहाँ पर, आपने यहाँ का अर्निंग पोटेंशियल देखा है कि लोग लाखों में कमा रहे हैं, लोग करोड़ों में कमा रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो 2cc से ही गए हैं ये सभी लोग, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे हैं 2cc, समझ रहे हो, उसको ना चॉइस नहीं देनी है कि हाँ जी अब क्या करना है, जहाँ आपने उसको चॉइस दी कि जी कब करोगे, फिर ये बात नहीं बोलनी आपको, बोलना है अब देखिए जब हमने अपने पर्सन को 2cc प्लान लगवा दिया, ओके, उसके बाद देखो बात आ जाती है कि जब वो बंदे का रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है उसको ना चॉइस नहीं देनी है कि जी आप कब करना है, आप क्या करोगे, ये बात नहीं बोलनी है उसको, आपको सिंपल सी बात बोलनी है हाँ जी ब्रदर कार्ड से करोगे पेमेंट या कैश से करोगे, ये कहेगा मैं कैश से करूँगा, ठीक है जी, ओके, जो भी आपके नियर बाई में ब्रांचेज हों वहाँ पर उसका ले जाकर 2cc डन करवा सकते हो आप, ओके, और आप अगर दूर हो उससे तो उसके ही अकाउंट में आप जो है पैसे मंगवा, मतलब उसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन करवा सकते हो, दैट्स इट, और खेल ख़त्म, बूम। तो यहाँ पर जो है आपने क्या किया, पहले उसको बताया कि हाँ जी आपको प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर रिलेशन बिल्ड किया उसके
चॉइसेस को जाना। तीसरी चीज़ हमने क्या की, उसको एक्सप्लेन किया कि उसका वाई क्या है, ओके क्यों करना है उसे 2cc लेवल। उसके बाद हमने उसका 2cc लेवल डन करवा दिया इस बेसिस पर कि देखो अगर आप बाहर मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है, तो बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ शुरू नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को रिटेल कर देते हो तो आपका एक रुपया नहीं लगता बिजनेस शुरू करने में, एक रुपया कैसा होता है अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो समझ रहे हो। ये चीज़ जब आप उसको रियलाइज करवा देते हो, डैम श्योर बंदा 2cc लेवल डन करता है, गारंटी दे रहा हूँ। ओके, बाकी चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इससे क्या है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरी वीडियो लोगों तक जा रही है और पसंद आ रही है। और अगर हाँ आपको भी जानना है कि भाई सुपरवाइज़र कैसे क्वालिफाई करें, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो आ रही होगी यहाँ पर, उसको चेक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।